भूतिया जैसी जगह। ये क्या है? भूत भूत तो नहीं है इधर? भूत रहेगा क्यों? साला कुछ नहीं है इधर। ये लहंगा तो बहुत ही महंगा बिकेगा। अरे वाह, क्या बात है, अपुन की तो किस्मत बन गई। गड्डी लेके रस दिल त्योहार, शादी ब्याह हमारे जीवन में एक ना भूलने वाली खुशियां लाते हैं, जिनसे जुड़ी तमाम यादें हम पूरी जिंदगी संजो कर रखना चाहते हैं। शादी का जोड़ा या लहंगा भी एक ऐसी ही याद है। लेकिन क्या हो अगर दुल्हन का वही लहंगा दुल्हन के लिए अभिशाप बन जाए? बीबी, पास में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, चलो ना कुछ खाते हैं। चलो ना, भूख लगी यार। चलो ना, लास्ट शॉ प्लीज। बस क्या हुआ? क्या हुआ? पिछले एक महीने से तुम्हारा परफेक्ट लहंगा ढूंढ रहे हैं और तुम्हें एक भी लहंगा पसंद नहीं आया। यार मैं थक भी गया हूँ और पक भी गया हूँ यार। रोहित, मुझे ना अपनी शादी में एकदम परफेक्ट लहंगा चाहिए, जो अब तक मुझे मिला ही नहीं। और अभी तो सिर्फ 3 दिन बचे हैं शादी के लिए। मुझे नहीं पता था कि लहंगा मुझे इतना महंगा पड़ेगा। मिस्टर रोहित खुराना, अब तक आपने अपनी होने वाली बीवी का शॉपहोलिक अंदाज नहीं देखा। मुझे माफ कर मेरी माँ, मेरे को कोई अंदाज नहीं देखना यार, मैं बहुत थक गया हूँ। प्लीज घर चल ले अब, प्लीज। आकांक्षा,
यार मैं तुम्हें कब से पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढ रहा हूँ और तुम वेडिंग लहंगास अवेलेबल हियर। आकांक्षा डोंट टेल मी कि तुम यहाँ से अपना लहंगा खरीदने वाली हो। आकांक्षा अब यार हेलो कोई है यहाँ? हेलो आकांक्षा हैव यू गॉन मैड? तुम सीरियसली यहाँ से लोगे अपनी वेडिंग ड्रेस? यार मुझे नहीं पता था तुम्हारी चॉइस ऐसी है। मिस्टर रोहित खुराना मेरी चॉइस इतनी गंदी भी नहीं है। ये मत भूलो कि तुम भी मेरी चॉइस हो। True that. पर यार ये फर्नीचर सी दुकान है। फर्नीचर नहीं है। मेरी शादी है और मुझे एक लहंगा चाहिए। परसों मेरी शादी है। क्या कांचा तुम यार प्लीज चलो यहाँ से, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है कांचा। एक मिनट, वो मुझे वो लहंगा चाहिए जो मैनिक्विन ने पहना है। जरूर बेबी पर रिलैक्स रोहित, तुमने देखा नहीं वो लहंगा कितना सुंदर है और मैं वो लहंगा पहनकर बहुत सुंदर लगूंगी। बेबी पर ये लीजिए। क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ? शादी में मैं यही पहनूंगी। कितने का है? जितना चाहे दे दो। क्या मतलब जितना चाहे दे दो? मतलब दो ना। अच्छा तो थैंक यू। वो दुकान देखी थी और वो बुड्ढा ऐसा लग रहा था किसी हॉरर फिल्म का रामू काका हो। अब प्लीज ये मम्मा को मत बताना वरना वो तो शुरू हो जाएगी। ओके बाबा। बेबी लहंगा तुम्हारा ही है, सामने देखकर ड्राइव कर लो नहीं तो शादी के फेरे हॉस्पिटल में लेने पड़ेंगे। अच्छा बाबा सॉरी। बेबी क्या कर रही हो? सामने देखो। बेबी बेबी आर यू ओके? ओह गॉड तुम ठीक हो ना आकांक्षा? हम्म।
अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, वो हल्का सा एक्सीडेंट था। मैं डॉक्टर के पास ले गया था कांचा को। कुछ घबराने वाली बात नहीं। थैंक गॉड बेटा, ये तो अच्छा तुम साथ में थे। अच्छा पापा मैं चलता हूँ। ओए पुत्र जी, चाहते पी के जाओ ना। अरे नहीं मम्मी, अब मैं चलता हूँ जी। माँ अब ये सब छोड़िए, ये देखिए मैं क्या लाई हूँ, शादी का लहंगा। माँ ये लहंगा कैसा है? ये अरेंजमेंट्स हैं तुम्हारे, देखो तो कैसे बतिया जल बुझ रही है। भाई वो क्या मॉम, बताइए ना कैसा है। बेटा लहंगा तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैंने कहा था ना मैं ले आती। कितनी बार कहा कि दुल्हन को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अब शगुन होता है। पापा आप ना आपकी पत्नी को समझा दीजिए, ये जो अपनी धक्यानुसी बातें है ना अपनी छोटी बेटी के लिए संभाल के रखे। उसे ये सब वूडू और ये तंत्र मंत्र की बातें पढ़ना बहुत पसंद है। एंड एनीवेज आई एम अ मॉडर्न गर्ल, राइट? क्या राइट है, ये आपके लाड प्यार ने बिगाड़ा इसे। अब शादी के बाद पता नहीं क्या होगा इसका ससुराल में। ओए साले शांत हो जा, कुछ नहीं होगा शादी के बाद, शी विल रॉक। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है बेटा, दो दिन बाद ही घर एकदम सूरा हो जाएगा और मेरे कंधे कौन दबाएगा? पापा मैं आपसे मिलने आऊंगी ना, चलिए बैठिए मैं अभी आपको बैक मसाज दे। ये बेटा अभी तेरी शादी हो रही, रहन दे। जाने से पहले पापा को तोहफा देनी। नहीं पापा, मुझे लगता है कि माँ को मेरा लहंगा पसंद नहीं आया। नहीं बेटा, जानती है तेरी माँ को बड़बड़ करने की आदत है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा तेरा लहंगा, और लहंगे की क्या वजह है तुझ पे ना जचे? तू तो मेरी आँख का तारा है बेटी, तारा 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 तारा। कतई कोणी तू वठे शादी करेगी जठे मैं चाहूंगा, समझी समझी? सॉरी पापा, वो कांचा की दवाइयां कार में भूल गई थी। ये लो तुम्हारी दवाई, टाइम से ले लेना। चलो तुम आराम करो, हम चलते हैं। चलिए आपको गाड़ी तक छोड़ दे। चलिए पापा। Thank you.
क्या कर रही हो दी? आकांक्षा दी, आपको हो क्या गया है? और ये क्या पॉइजन? मैं यहाँ कैसे आई? और तू? तू कब आई प्रियांशी? अभी थोड़ी देर पहले ही। आप सो रही थी इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। चलिए अंदर चलते हैं। रब्बा, शादी के कार में ना कितने काम होते हैं, सबको अपनी अपनी पसंद का खाना चाहिए। खाना तो खाएंगे? हाँ, दे रही हूँ ना। मॉम, शादी तय करने से पहले आपने गृह दोष वगैरह की पूजा करवा ली थी ना? ओह, तू अपनी ये भूत प्रेत की विद्या को ना मेरे कार से दूर ही रख, मेरे भगवान ही काफी इन सब से निपटने के लिए। मॉम, साइंस है ये, आत्माएं होती है कुछ अच्छी कुछ बुरी, जिनकी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है उनकी आत्माएं ऐसे ही भटकती रहती है। हेलो, कर लो गल, वो एक से निपटे नहीं दूसरी को देखो। ये क्या पहन के आ गई है? सरकारी बाल विद्यालय की लड़की की तरह चुटिया बनाती क्यों घूम रही है? बाबूजी, आज तो मैंने चिकन खानो है, आते वक्त मारे वास्ते चिकन लेते आना। हाँ मारी लाडो, मैं थारे वास्ते चिकन लेता आऊंगा। शालिनी बस करो, रोक टोक ठीक नहीं है। ओए ओए आकांक्षा, तू कब से नॉनवेज खाने लगी? तुझे तो नॉनवेज पसंद ही नहीं था, हैं? और ये क्या? ये अयो रब्बा, ये स्किन रिएक्शन कैसे हो गया? स्किन रिएक्शन हो गया और इसे तीखे खाने की पड़ी है। चल इधर ला। ओए आकांक्षा पुत्र, मैनू और पुत्र मैनू दर्द हो रहा है, छड़ ना। मैं जब से आई हूँ दी कुछ ठीक नहीं बिहेव कर रही है, कुछ तो गलत हो रहा है उनके साथ। क्या बच्चों, तुम भी हमेशा मस्ती करते रहते हो। अरे सुनो, मैंने स्क्रॉल देखा है। अरे आप भी ना अपनी चीजें कुछ नहीं ढूंढते, वहीं कबर्ड में तो रखा, जाके ढूंढिए। बाहर रखना चाहिए था ना। तुम भी ना, जाओ जाओ जल्दी जाओ। मुझे ये भी ना। राकेश, अब बस थोड़ा दिनों की बात है, फिर तो मारो हो जाओगे। कार्ड भी छपियो है, तारा संग राकेश नु परिणय सूत्र। राकेश, मालूम है बाऊजी खास मारे वास्ते एक लहंगा भी बनाया है, कितनी चौकी कढ़ाई है। नहीं पर मैं ऐसे कैसे पहनूं? पर बाऊ तो तने मार दिया, मारे प्रेम ने मार दिया, मारे राकेश ने मार दिया। रोहित, हाँ बेटा, वो तैयार हो रही है। हाँ पापा, आप कुछ भी बोलते हो, मैं तो कब से तैयार हूँ। रोहित, अंदर आओ ना। वैसे इस लहंगे में तो बहुत खूबसूरत लग रही हो यार तुम, कत्ल करने का इरादा है क्या?
सेल्फी तो बनती है हा? ये तुम ये क्या कर रही हो तुम बेबी छोड़ दो मुझे जाने दो प्लीज बेबी अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई शादी नहीं नहीं तो पापा वो आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं आकांक्षा लड़कियों को शादी से पहले नर्वस होते देखा है पावला होते तो पहली बार देख रही हूँ आकांक्षा तू भी ना अरे इसी जोड़े में बैठी रहेगी मेहंदी इसी जोड़े में लगाएगी चल चेंज कर ले आप लोग चलो ना सब इंतजार कर रहे हैं आओ चलो चलो जल्दी आजा बेटा जल्दी से आजा प्रियांशा बेटा दीदी को कमरे में लेके जाओ क्या है ये सब हर्बल कोन्स के लिए कहा था ना बताया था ना आकांक्षा को केमिकल से एलर्जी है फिर भी यही किया लेकिन मैम क्या हो रहा है दीको कुछ तो गड़बड़ लग रही है लेकिन क्या से निकलना होगा
दी पर किसी बुरी आत्मा का साया है। देखो ना जी किस तरह दी गल्ला कर रही है। मैं तो फिर शुरू हो गई भूत प्रेत की उलझन। रोहित बेटा वो मॉम जीजू दी ने क्या आपको कैंची से मारने की कोशिश नहीं की? बोलो जीजू। पता है क्यों? क्योंकि दीप पर किसी बुरी आत्मा का साया है। कैसी अनाप शनाप से गला कर रही है? नहीं आंटी ये सही कह रही। मैंने आकांक्षा में उस आत्मा को देखा है। वो बदल रही है उसका चेहरा। नहीं बेटा शाली मैंने भी देखा है विश्वास कर। ऐसे ऐसे नाम ले रही थी कि जो दूर दूर तक दोस्तों के क्या रिश्ते में किसी के भी नहीं है। और माँ आप भूल गई आज दिन को दी ने कैसे आपका हाथ पकड़ लिया था और कल रात को ही दी के हाथ में चूहे मारने की दवाई मिली थी और अब अपने कमरे में पता नहीं कैसी ऊटपटांग हरकतें कर रही है। मेरी बच्ची संभालो अपने आप। मेरी बच्ची सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो। राजा बच्ची कुछ भी कर लेकिन अपनी दी को बचा ले। माँ दी को कुछ नहीं होगा आई प्रॉमिस। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। अभी पता चल जाएगा कि आत्मा कौन है कहाँ है और क्या चाहती है। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षे महामृतात्। मॉम को बचा ले कुछ भी कर लेकिन मेरी बच्ची को बचा ले।
तुम बेटा तूने तो इतनी पढ़ाई किया ना इन सब के बारे में, अपनी दी को बचा लेना। मॉम उस लहंगे में किसी बुरी आत्मा का साया है। It's cursed. Wooden lehengas available here. कितने का है? जितना चाहे दे दीजिए। मैंने मना किया था कांचा को कि उस दुकान से मत ले, लेकिन उसको भी वही लहंगा लेना था उस फटी सर दुकान से। जीजू मुझे उस दुकान तक ले चलो। अरे तुम वहाँ जाकर बहस करने का समय नहीं है, जल्दी चलो। चलो। मेरी बच्ची का क्या होगा? प्रियांशा यही वो दुकान है जहाँ से हमने लहंगा लिया था। हेलो, कोई है यहाँ पे? Anybody here? बोल, कहाँ से लिया था वो लहंगा तूने? बोल, छोड़ दो मुझे। चीजू, छोड़ दो। देखो मेरी बहन की जान खतरे में है और मुझे मालूम है उसका कारण वही लहंगा है जो तुम्हारी दुकान से लिया गया था। बोल कहाँ से लिया था? जल्दी बताओ कुछ। हाँ बताता हूँ, 40 साल पहले यही दुकान तारा ब्राइडल के नाम से मशहूर था। इसके मालिक अशोक ओसवाल राजस्थान से यहाँ आकर बसे थे। हाँ जगदीश सर, अरे आप मारे को शर्मिंदा करो कोनी। अरे मारी आपकी पहचान आज से तो ना है, हम तो राजस्थान से एक दूसरे को जानते हैं। धंधो यहाँ शुरू करती हो तो आपको भूल थोड़ी जावेंगे, पुराने लोगों को कैसे भूल सके हैं। अच्छा आपका ऑर्डर वो नई नई डिजाइन मंगाई है। हाँ आर्टिस्ट को बिठा के नई नई डिजाइन बनाई, काम चालू है। अरे आपका जो पुराना वाला ऑर्डर था जगदीश सर, उसका अगर पेमेंट मिल जाता तो नए वाले का काम चला। अरे लाडू मैं बाद में फोन करता हूँ आपको। बापू साहब मारी जेब खर्ची। अरे लाडो थारे लिए जेब खर्ची कौन सी बड़ी बात है, ये पूरा बिजनेस सब कुछ तो थारा ही तो है। अभी देता हूँ। तारा उनके ही एक कारीगर से प्रेम करने लगी थी और सेठ जी को वो पसंद नहीं था। फिसात भी सेठ जी की थी और चाल भी सेठ जी की थी। उन्होंने राकेश को मरवाकर तारा से झूठ बोल दिया कि वो चोरी करके भाग गया। उन्होंने राकेश के शरीर को गोडाउन के पीछे दफना दिया, लेकिन सच तारा से ज्यादा दिन तक छुप नहीं सका और उस रात उसकी शादी से पहले उसे ये सच पता चल गया। उसने अपने पिता की बातें सुन ली। अरे लाडू, जहर के किया तन्ने लाडू, ये के कर दिया। मैं अपना प्यार को नहीं पा सकी, मारो राकेश भी मर गयो, मारो श्राप है, मैं किसी का प्यार पूरा नहीं होने दूंगी। तू बाप नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। तू मेरे राकेश का खूनी है। तब से तारा की आत्मा उसी लहंगे में बसकर रह गई। तारा की मौत के बाद सेठ जी ने उस लहंगे को तारा की याद में संभाल कर रखा था और सेठ जी के जाने के बाद मैंने उस लहंगे को संभाल कर रखा था, लेकिन उस रात पैसे की लालच में आकर मैंने वो लहंगा तुम्हारी बहन को बेच दिया था। लेकिन तारा वो लहंगा किसी को पहनने नहीं देगी। बचा सकते हो
तो जाओ और अपनी बहन और पापा को बचा लो। तारा की आत्मा उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। नहीं छोड़ेगी। जाओ, जल्दी से जाओ। चलो जी। जल्दी करो, कांक्षा दीप टोकना होगा। मारे प्रेम ने मार दिया, मारे राकेश ने मार दिया। जीजू, जीजू मम्मा को संभालो। ओम त्र्यंबकम् यजा महेश सुगंधि पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकम् विपन्दनान् मृत्युमुखी महामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजा महेश सुगंधि पुष्टि वर्धन। वर्धनान् मृत्युमुखी महामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजा महेश सुगंधि पुष्टि वर्धन। ना पा सके, कोई को प्यार पूरा ना होने दूंगी मैं। क्योंकि तुझे तेरा प्यार नहीं मिला इसलिए। छोड़ दे ये प्रतिशोध, चली जा यहाँ से, ये तेरी दुनिया नहीं है। किसी और के किए की सजा तो किसी और को नहीं दे सकती। जा तारा जा, तेरा राकेश तेरा इंतजार कर रहा है। जा तारा जा, तेरा राकेश तेरा इंतजार कर रहा है। जा तारा, अपने राकेश के पास जा, तेरा प्यार तेरा इंतजार कर रहा है। निर्दोष लोगों को मारकर तुझे क्या मिलेगा? जरा सोच, अगर राकेश तुझे ये सब करते हुए देखेगा तो उसे कैसा लगेगा? क्या सोचेगा वो, कि ये वही तारा है जिसे मैंने प्यार किया था, जिसके लिए मैंने अपनी जान दे दी? तारा, अगर तू राकेश से जरा सा भी प्यार करती है तो छोड़ दे ये जिद, छोड़ दे ये शरीर को। नहीं, ये ना होने दूंगी मैं, ना होने दूंगी। देख तारा, मैं तुझे तेरे राकेश से मिलवा सकती हूँ। मुझे पता है तेरा राकेश कहाँ है, छोड़ दे ये शरीर। Oh.
मेरी बहन की जान बचाई। भले ही नाम अलग हो लेकिन आप ही इस आत्मा के रचयिता हो और आप ही सहारक जो आपके वजूद पर उंगलियां उठाते हैं शायद नहीं जानते। ईश्वरीय शक्ति जिसका हाथ थाम लेती है उन्हें दुनिया की कोई भी शैतानी ताकत छू भी नहीं सकती। देख क्या रहे हो, शादी की तैयारी नहीं करनी? आकांक्षा शायद इस खौफनाक वाक्य को कभी भुला नहीं पाएगी, लेकिन आप इस तरह का कोई भी कपड़ा या परिधान खरीदते वक्त चौकन्ने रहिएगा। हो सकता है जिसे आप खरीदकर जिंदगी भर के लिए अपनी यादों में समेट कर रखना चाहते हैं उससे भी किसी की पुरानी यादें जुड़ी हो सकती हैं, क्योंकि हर मोड़ पर है डर।